यहां पर संजीव झा, आपने सुना अभी क्या कहा मुदित अग्रवाल ने? उन्होंने कहा आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बताया उन्होंने, उन्होंने सीधे तौर पर सीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि मुदित जी की साठगांठ भी दिख रही है, कांग्रेस की साठगांठ इस पूरे एपिसोड में दिख रही है। एक बात समझिए अदिति जी आप, कि हज कमेटी में मेंबर की रिकमेंडेशन दिल्ली सरकार ने भेजा और एलजी साहब ने आनंद फानन उसको बदल करके कांग्रेस की एक पार्षद को हज कमेटी का मेंबर बना दिया। तो अब दिख रहा है ना किस तरह का साठगांठ है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये साठगांठ हम दिल्ली के सदन में नहीं चलने देंगे, एमसीडी में नहीं चलने देंगे, एमसीडी में गैरकानूनी काम नहीं होने देंगे, एमसीडी में इलीगल जो रोज अवैध आदेश निकालते उस आदेश को हम नहीं चलने देंगे। दिल्ली की जनता ने हमें विश्वास करके दिल्ली के सदन में भेजा है कि इनको एक्सपोज करें। किस तरह से कहते हैं कि एलजी मुखिया है, इनको पता है कि एलजी हम जो कहेंगे एलजी तो वही करेंगे। भाई एलजी सेलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, सेलेक्टेड नहीं है, वो जनता के बीच से नहीं आए हैं। तो एलजी तो अपने आका को खुश करेंगे ना, जो आका कहेगा वो एलजी करेंगे। तो एलजी रोज एक इलीगल आदेश निकालते हैं, अब उस इलीगल आदेश का अगर सदन में उसका निर्वहन किया जाएगा तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसका विरोध करें। तो विरोध हम ऐसे करेंगे पर अब पीटा तो विरोध का तरीका बस ये बचा है सर, हम मां पिटाई को सैंक्शन दे रहे हैं। और क्या तरीका हो सकता है? यही तरीका हो सकता है सदन में विरोध करें आप। लेकिन अगर विरोध करेंगे तो मार पिटाई जायज है। आप नहीं चलाइए, ये कह रहे हैं मार पिटाई जायज है डेमोक्रेसी में, विरोध करना आपका अधिकार है। विरोध करना आपका अधिकार है, पर ये जो चल रहा है ये आपका अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है ये। नहीं आप विरोध करना अधिकार है, अदिति त्यागी विरोध कर सकती है लेकिन अदिति त्यागी विरोध में चढ़ाई नहीं कर सकती किसी के ऊपर, हाथ नहीं लगा सकती अदिति त्यागी विरोध में। सर ये तो बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। हमारे साथ मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, आज जो तस्वीरें आई है आम आदमी पार्टी के लिए, आपने उकसाया, आपकी पार्टी के लोगों ने उकसाया है? देखिए आज आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के सदन को काला दिन दे दिया। पहली बार ये लोग 49 से 125 हुए तो ये स्वरूप दिखा रहे हैं और ये अपनी परछाई से भाग रहे हैं। महापौर का चुनाव था, महापौर के चुनाव में इन लोगों को स्पष्ट रूप से महापौर का आज जैसा इनका संख्या दिख रहा है उसके अनुसार इनको चुनाव करके मेयर के चुनाव को सफल बनाना चाहिए था, तो ये लोग चुनाव से ही भागने की तैयारी कर दी अदिति जी। और आप जानती हैं ये लोग बड़ी तैयारी से आए थे, क्योंकि ये पहले भी इनका ताहिर हुसैन नाम का एक पार्षद संगा में शामिल हुआ और आज इनके पार्षद ब्लेड लेके आए हुए हैं। वो कई चार पार्षदों को ब्लेड मारे हैं, शीशे धारदार कुछ शीशे मारे हैं और कुर्सियां तोड़ रहे हैं। हम लोग दो दिन से अपने पार्षदों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे वोट करते हैं, ये लोग शिक्षा दे के आ रहे हैं कैसे कुर्सी फेंकते हैं, कैसे पोडियम तोड़ते हैं, कैसे माइक तोड़ते हैं। तो आज ये सबके सामने दृश्य देखा जा रहा है और सब तो सब इनके विधायक भी उकसाते हुए नजर आए। इनके विधायक भी अपने पार्षदों को गुंडागर्दी करने के लिए उकसाते हुए नजर आए। तो इसी स्थिति में देख सकती हैं जो मूल चरित्र है आम आदमी पार्टी का वो गुंडागर्दी का है, गुंडों की पार्टी है। संजीव झा, आपका जवाब? ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का जो मूल चरित्र है वो है आम आदमी पार्टी का मूल चरित्र। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, किस तरह के लोग हैं, ये सर्टिफिकेट इनसे लेने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है, देश जानता है कि कौन गुंडा है और कौन किस तरह के व्यक्ति हैं। मुझे ये लगता है कि सदन में जब आज मुझे भेजा गया और सदन में जो लोग चुन के गए हैं उनकी जिम्मेदारी है सदन की गरिमा की रक्षा की जाए और सदन की परंपरा की रक्षा की जाए। परंपरा का हनन ना हो, संविधान तार तार ना किया जाए, ये जो पूरी प्रक्रिया उसकी तार तार ना की जाए। बार बार दोनों सांसद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई शराब पी के आया था, तो फिर मैं कहता हूं कि सातों सांसद शराब पी के आए थे इसका मतलब है, इसलिए इनको दूसरा हर दूसरा आदमी हिलता हुआ नजर आ रहा है और कहते हैं शराब पी, तो कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। कहते हैं कोई कहता छुरी लेके आया था, मैं कहता हूं आप पिस्टल लेके आए थे। ये अनाप शनाप बात करने से मामला का समाधान नहीं होगा। देखिए आज अगर सदन था
पहली बात जो मैंने कहा कि तीन बातें हमने कही, पहली बात कि एल्डरमैन की नियुक्ति अवैध है, दूसरी बात पीठासीन पदाधिकारी की जो नियुक्ति थी वो परंपरा के खिलाफ हुआ, और तीसरी बात जो परंपरा कायम करने की कोशिश कर रही थी पीठासीन पदाधिकारी वो सदन की परंपरा के खिलाफ था। हम तीनों बात का विरोध कर रहे थे। सदन में विरोध करना हमारा अधिकार है। सर, विरोध करना आपका अधिकार है, किसने मना किया? ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि आपका विरोध करना अधिकार नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पर सर विरोध करने का ये तरीका जो है इस पर एतराज है, इस पर आपत्ति है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र को पर धब्बा है, उसे दागदार करती हैं। लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरों की गुंजाइश नहीं होती सर, लोकतंत्र में तमाम तरह के मैकेनिज्म है जिनके माध्यम से अपनी बात रखी भी जा सकती है और सुनवाई भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में किया, ठीक है सर, बीजेपी से आपकी आपत्तियां हो सकती हैं, आरोप हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता ना, ये तरीका नहीं हो सकता। मनोज तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजीव झा कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी को गलत तरीके से चुना गया, मनोनीत सदस्यों को लेकर उनको आपत्ति है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ये जो सदन की कार्रवाई थी इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं अदिति जी, देखो अभी मैं सुन रहा था संजीव जी को, अगर इनको ये लगता है कि मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति गलत है तो कोर्ट में जाइए ना, सदन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहली बात, अगर यहाँ पे आपको राज्यपाल पर ही सवाल उठाना है तो आप इसके लिए कोर्ट में जाकर के अपनी क्लियरिटी कर लीजिए। इसके लिए आप दिल्ली के इस निगम के कार्य करने वाले सदन को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आप जानबूझ करके चुनाव से डर के भागना चाहते हैं। दूसरी बात कि जो पीठासीन अधिकारी है जो आज के कार्यक्रम की कार्य तो पहले दीजिए, आपको पहले से बताया जा चुका है कि पहले आयुक्त आएंगे, स्वागत भाषण करेंगे, फिर वो माननीय एलजी का आदेश पत्र सुनाएंगे पीठासीन अधिकारी के बारे में, फिर पीठासीन अधिकारी जो नियुक्त होगा वो सबको शपथ दिलाएगा पार्षदों को। आपने शपथ होने ही नहीं दिया। आपको मनोनीत पार्षदों पे अगर कोई तकलीफ है तो आपको कोर्ट में जाके बोलना चाहिए ना। आप आकर के ये शर्मसार करने वाली तस्वीर अगर दिखाते हैं तो मैं समझता हूं, और ये स्पष्ट रूप से बताता है कि आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों के ऊपर ही विश्वास खो चुकी है, उसको विश्वास ही नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं आ रहा है कि वो ये मेयर का चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़ी सी रास्ते में चल रहा हूं, लेकिन अदिति जी आज जो इन लोगों ने काम किया, इनको किसी भी हालत में अब जनता को जवाब देने का चेहरा नहीं है। एक शब्द होता है गलदोदई, कुछ भी बोलते रहिए तो मतलब नहीं, लेकिन आज अपने गिरेबान में झांक करके देखे आम आदमी पार्टी कि ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है। आप ब्लेड मार रहे हो, आप तो कुर्सियां तोड़ रहे हो, आपके एक पार्षद का कुर्सी माइक तोड़ते हुए उसका हाथ में भी चोट आया, आप उसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि आपने आज शपथ का और महापौर के चुनाव का विरोध किया था, और जो दृश्य है वो बहुत शर्मसार करने वाला है। हम लोग शांति बनाने में लगे हुए थे, हमने संजीव जी को भी इशारा किया, वो आप पर संजीव जी को आपने उकसाया है, उन्हें उनकी सुनवाई नहीं हुई, तीन गलत फैसले आपने लिए और उसके बाद उनके वो हालांकि भाताभाई को भले ही जस्टिफाई करने की कोशिश करें जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सीधे तौर पर आरोप मनोज जी वो आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, फिर मैं वापस आपको मंच देती हूँ। मनोज जी देखिए, अदिति जी मनोज जी से पूछिए एक बात कि मनोज जी जिस संसद के सदस्य हैं वहां जब ओथ होता है तो प्रोटेम स्पीकर सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है, जब हम विधानसभा में जाते हैं तो ओथ के दिन प्रोटेम स्पीकर सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है, इसी तरह सदन में भी एमसीडी में भी जो ओथ दिलाएगा वो सबसे एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होना चाहिए। तो एलजी साहब ने किस बिना पर सबसे अनुभव के बिना गाहे बगाहे में भारतीय जनता पार्टी के 9 लोगों को चुन लिया, और वो पार्टी से इधर होता है किसी पार्टी क्यों ना हो। तो आप क्या नहीं मानते कि एलजी साहब का आदेश जो था वो अवैध था, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सदन कह रहा है कि पहले आप निर्वाचित सदस्य का शपथ ले लीजिए और बाद में एल्डरमैन का ले लीजिएगा, तो ये बात मानने में ऐसी कौन सी मजबूरी थी या ऐसा कौन सा साजिश था कि पीठासीन पदाधिकारी इस बात को नहीं मान रहे, इसमें क्या गलत था? अरे दिल्ली की जनता ने जिसको चुना है पहले शपथ उसको लेने दो, ये तो सदन का अपमान है, ये जनता का अपमान है। क्यों नहीं जवाब लीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं, आप उनका जवाब लीजिए, जवाब दीजिए।